है, अब देखते हैं इसको एनिमेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन मतलब हम इसको कुछ एनिमेट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रांजिशंस में जाके यहाँ से एक अच्छा सा एनिमेशन इफेक्ट लगाएंगे। लेट सपोज अगर हमने इस पर ये वाला इफेक्ट लगा दिया, ये वाला, तो ये कुछ इस तरह से लोड होगा, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल एस कर दिया, एंड देन फिर यहाँ पर आ गए। सबसे पहले हम इसको एनिमेशन लगाना सीखते हैं, कि इसको एनिमेशन देने के लिए हमने सपोज टू भी क्लिक किया, यहाँ से एनिमेशन में गए, और इससे हर किसी अलग कंपोनेंट को एनिमेशन दे सकते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट्स हैं तो हम फ्लाई इन इफेक्ट दे रहे हैं, इस तरह से दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर मोर एंट्रेंस इफेक्ट में जाएंगे तो हमें और भी एंट्रेंस इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे राइज अप है, लेफ्ट है। तो अगर इसको हमने लेफ्ट इफेक्ट एक दिया है इसके ऊपर, तो यहाँ से थोड़ा सूम आउट कर लेते हैं। तो इसको जो इफेक्ट दिया है फ्लाई इन अगर हमने दिया है, तो ये देखें इस तरह से फ्लाई करता हुआ आएगा। अगर हम इसको यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट साइड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हम चाहते हैं कि जो इफेक्ट है वो लेफ्ट साइड से इस पर अप्लाई हो, तो इफेक्ट ऑप्शंस में जाके फ्रॉम लेफ्ट साइड कर देंगे, एंड देन फिर क्लिक कर देंगे कि इसके नीचे वाले हिस्से पे कोई इफेक्ट लगाना है, फ्लॉट इन कर देना है। लेट्स सपोज इस पे और टेक्स्ट पे अलग इफेक्ट देना है, तो टेक्स्ट का बॉक्स अलग है, तो इस पे क्लिक करके हम यहाँ से स्प्लिट इफेक्ट दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे क्लिक करके मोर एंट्रेंस इफेक्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें और मिल जाएंगे, जैसे कि प्लस इफेक्ट है, ठीक है ना। प्लस इफेक्ट कैसे काम करेगा, इस तरह से स्प्लिट इफेक्ट ऐसे काम करेगा, वाइप इफेक्ट ऐसे काम करेगा, एंड देन क्लिक करके इसको हम स्ट्रिप्स इफेक्ट है वो ऐसे काम करेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रिप में मुख्तलिफ तरीके से स्ट्रिप हो सकता है, इस तरीके से भी स्ट्रिप किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करते हैं इसको, और इसको हम फ्लाइंग इन इफेक्ट देते हैं, और फ्लाइंग इन इफेक्ट देने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं इसको, क्लिक करके और ये डायरेक्शन दी हुए हैं डिफरेंट किस्म के, तो यहाँ से इसको डायरेक्शन पर लगा देते हैं, इस तरह से नजर आएगा। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जो इफेक्ट है, इस पर क्लिक करके इसको एक इफेक्ट देते हैं, सपोज फेड इफेक्ट, ये देखें इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। और एरो को हम यहाँ से दोबारा से पिक इन इफेक्ट भी दे सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से पिक इन इफेक्ट देंगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड कर देंगे इसको, तो ये पिक इन इफेक्ट इस तरह से काम करेगा इसके साथ, ठीक है। तो फिर क्लिक करते हैं इसके बॉक्स के ऊपर जो हमने इस पर बनाया था, इस पर क्लिक करके मॉन इंटरेंस इफेक्ट के ऊपर जाकर बेसिक जूम इफेक्ट देंगे, तो ऐसे जूम करेगा। और जहाँ तक रही इसके टेक्स्ट की बात, तो इसको एक इफेक्ट देंगे यहाँ पे मॉन इंटरेंस इफेक्ट में जाके, और यहाँ पे क्लिक करके फ्लोट डाउन कर सकते हैं, या इसके ऊपर राइज अप इफेक्ट भी दे सकते हैं। सर्वाइवल है, स्ट्रिप्स है, और ये चाहेंगे तो राइज अप इफेक्ट भी, इस तरह का इफेक्ट भी दे सकते हैं। और एक या न्यू लिसनिंग कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस को, तो थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इसके ऊपर जो फॉन्ट अगर अच्छा लग रहा है, वाइट वाला नहीं तो ब्लैक वाला, नहीं तो रेड वाला, कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है, वाइट पे सूट तो नहीं कर रहा, चलो उसके साथ आउटलाइन भी लगा देते हैं ब्लैक कलर की, कुछ सूट कर जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर एनिमेशन में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स के ऊपर, यहाँ पे स्पिनर इफेक्ट भी हम इस पर लगा सकते हैं, इस पर हम ग्रो एंड ट्रन इफेक्ट भी लगा सकते हैं, इस पर फ्लोट डाउन इफेक्ट भी लगा सकते हैं, इस पर सेंट्रल रिवॉल्व इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ये कुछ बेहतर लग रहा है, और ये इस तरह से हमें नजर आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर के प्रीव्यू करके, तो ये देखिए हमारा इस तरीके से छोटा सा ऐड यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये एनिमेशन स्लाइड शो पे चलेंगी क्लिक के ऊपर, तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑन क्लिक पे चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे विद प्रीवियस। हम चाह रहे हैं कि ये भी इसके बाद चले, तो उसको भी कहेंगे विद प्रीवियस, और इसको भी कहेंगे विद प्रीवियस, और यहाँ पे क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं इसको। तो प्रीव्यू करके देखते हैं, पहले ये चलेगा, एंड देन ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, एंड देन फिर ये, और फिर तो इस पर क्लिक करके पूरे को उसको भी कहते हैं आफ्टर प्रीवियस, इसके बाद ये चलेगा, एंड देन इस पर क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस, एंड देन क्लिक करके इसको आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करके हम कर देते हैं विद आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं, और देन इसको क्लिक करके विद प्रीवियस कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करके हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से हमारा कंप्लीट सा ऐड ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कर देते हैं।